आप सभी को पता होगा कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है उलाव साहब है, इस बार 80 बार नैया पार होने वाली है। और आप सभी को पता है कि हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए, तो इस बार बिहार में 12 करोड़ जनता को पार लगाने वाली है। इसलिए आज आप हमेशा नाव को देखते होंगे नदी तालाब में चलते हुए, इस बार आपको बिहार में हर गली चौराहे पे रोड पे आपको नाव चलते हुए दिखने के लिए मिलेगा। और इस बार मजबूती से हमारी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आपने नहीं बताया कि नाव को कितनी सीटें मिल रही है, कितनी नाव के जो भी सीट मिलेगा वहाँ पे लड़ेंगे। आप देख रहे हैं हमारा चुनाव जो चिन्ह है, जहाँ हमारी सीट होगा वहाँ पे इस तरीके का प्रचार होगा। उसके बाद जो चार चक्का गाड़ी है 243 जगह पे हमारी पार्टी के पदाधिकारी मिलकर और अपने गठबंधन के सभी सहयोगी दल के लोगों को चुनाव जिताने का काम करेंगे। इसलिए 243 विधानसभा में ये गाड़ी अपने अपने जगह पे पहुंचेंगे और इसके लिए हर जगह पे प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है और अपने अपने स्तर पे सब महागठबंधन समर्थक मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जैसा हो कह रहे थे, तो क्या मुकेश सहनी कह रहे हैं पार्टी के पदाधिकारी तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि हमारे नेता आगे बढ़े, हमारी पार्टी आगे बढ़े, तो हमारे कार्यकर्ता का हमारे पार्टी के पदाधिकारी का इच्छा जो भी है वो ठीक है और उसको स्वागत है। लेकिन हम जो भी बात होगा वो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे होगा, महागठबंधन जो निर्णय लेंगे वो समय आते हुए आप लोगों के बीच में जानकारी कब तक समय देंगे, कब तक बात बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये तो मान लीजिए कि नॉमिनेशन के समय में महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी होंगे वो जाके नॉमिनेशन करेंगे। अभी रहा कि बड़ी गठबंधन हम लोग बनाने का कोशिश में लगे हुए हैं, महागठबंधन में पहले के 4 दल हैं और लेफ्ट पार्टी को भी जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। और आने वाले समय में जब इतने दल हैं तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग है और सीट की संख्या वो सब पे बात होना है और 1-to-1 जारी है बातचीत। कोशिश होगी कि कुंभा बने, कोशिश होगी कि कुंभा बने, कुंभा घटे नहीं, निश्चित तौर पे कुंभा बढ़ाने की बात होगा। और महत्वपूर्ण से बिहार में विकल्प देंगे, युवा को खास करके देख भी रहे हैं देश में जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से किसान को परेशान किया जा रहा है, तो हर समस्या को लेकर बिहार के युवा के लिए खास करके हम लोग लड़ेंगे और बिहार में युवा सरकार बनाएंगे।